यह आठ बातों से रिश्ते टूटते हैं या टूट सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हम किसी के साथ में रिश्ते में, हमारे अच्छे रिश्ते हैं, वो फैमिली मेंबर के साथ में होंगे, डिस्टेंट रिलेटिव्स के साथ में होंगे, या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के भी रिश्ते होंगे, कोई भी रिश्ता अपना है, तो वो टूटने के कुछ कारण हो जाते हैं। और वो कारण जब हम देखते हैं तो हमको हमारे में ही देखना पड़ेगा कि भाई वो कारण मैंने पैदा किया क्या, क्योंकि कारण भी कारणीभूत जब तक मैं नहीं हूं तब तक उसमें से कुछ होने वाला है नहीं। मुझे देखना पड़ेगा मैं कारणीभूत हूं क्या उसके लिए, मैं कारण हूं क्या। तो ऐसे में क्या बातें करता हूं कि जिसके वजह से रिश्ते टूट सकते हैं या टूट जाते हैं। नंबर एक, कि मैं ऐसा बोलता हूं कि वो मुझे प्यार नहीं करता, ऐसा मुझे लगता है कि वो मुझे प्यार नहीं कर रहा है। या फिर हम उसको पूछते हैं क्या मुझे आप प्यार करते हो, ऐसा बार बार पूछते हैं, असर्टन करते हैं, और फिर उसको ऐसा कॉर्नर करते हैं उसके लिए। नंबर एक। नंबर दो, आपको ऐसा लगता है कि उसको समझना चाहिए ना मेरे बारे में, उसको इतनी समझ कैसे नहीं है कि इतना लगता है, उसको इतनी अकल कैसे नहीं है, उसको ये समझता नहीं क्या कि मुझे क्या चाहिए, उसको ये इतना दिखता नहीं क्या कि हमने ऐसा करना चाहिए। मतलब उसको समझना चाहिए ऐसा आपको लगता है, आपने भी ना बोले। वो क्या भगवान थोड़ी है कि आपके दिमाग में क्या चालू है उसको समझना चाहिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो उसको क्या समझेगा कि आपके दिमाग में क्या चालू है। आपको लगता है कि नहीं मुझे जो चाहिए उसको समझना चाहिए। नंबर तीन, आप बोलते कि नहीं नहीं उसकी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कुछ भी बिगड़ के आप बोलते नहीं उसने किया, कुछ भी हो गया तो उसने किया। मतलब आप उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते बार बार अपना अपने ऊपर का झटक के उसको बोलते कि हाँ तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुमने ऐसा किया है, तो उससे रिश्ते खराब होते जाते हैं। नंबर चार, बहुत ज्यादा सोचना और शक के इरादे से सोचना, शक के नजर से सोचना। समझो कोई मिलता नहीं हो जल्दी तो नहीं कुछ तो भी किया होगा, कहीं तो भी गया होगा, और कुछ रिश्ते में है क्या, ऐसा क्यों कर रहा है ये। मतलब हर बात के ऊपर एक डाउटफुल नजर से देखते जाना और फिर वो अपने होने में अपने बोलने में कम्युनिकेट करना या बोलना, शकीला सोच। ये हो गया चौथा। पांचवा, बहुत ज्यादा अपेक्षा रखना। क्या होता है कि अपेक्षा बहुत ज्यादा रखी, एक्सपेक्टेशंस, तो फिर एक्सपेक्टेशन कभी पूरे होते नहीं। ऐसा बोला जाता है कि एक्सपेक्टेशंस इज द मदर ऑफ ऑल अपसेट्स। जो भी कोई अपसेट है उसकी मां जो है ना वो एक्सपेक्टेशन है, वो कारणीभूत है। तो बहुत ज्यादा हम अपेक्षा रखते हैं, सामने वाला अपेक्षा तो पूर्ति कर सकता नहीं है, क्योंकि जितनी भी अपेक्षा पूर्ति वो करता है आपकी अपेक्षा बढ़ती जाती है, फिर आप वो बोलते हैं, फिर उसको जिम्मेदार ठहराएंगे उसके लिए, फिर रिश्ते टूट जाएंगे। तो ये पांचवा है, अपेक्षा। छठवा, सामने वाले के गलतियों पर ध्यान देना। उसने ये गलती किया, ऐसा क्यों किया, उसने ये गलती किया, तुमने बराबर चाबी रखी नहीं, तुमने बराबर ये कार की चाबी रखी नहीं, तुमने बराबर ये नहीं किया, तुमने मतलब घर में भी या बाहर में भी तुमने फोन नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों रखा। मतलब सामने वाली गलती रख, उसके इतना पीछे लगना कि उसको लगता है कि भाई इनके साथ में रहना मुश्किल हो गया। कंटिन्यूस गलती, क्योंकि आपको चाहिए परफेक्ट, और वो परफेक्ट सामने वाला होने वाला है नहीं। सातवां, उसको लेबल लगाने का, लेबल लगाने का, स्टिकर चिपकाने का कि नहीं ये आलसी हो गया, ये तो फॉल्ट ही देखते रहता है, ये तो अपना टाइम पास ही करेगा, ये तो भूल जाएगा। मतलब ऐसा लेबल लगाना और ऐसा बोल के बताना कि तुम ऐसे है, तो वो दुखी होते जाता है और आपका डिस्टेंस उसमें बढ़ते जाता है। ये हो गया सातवां। आठवां, आपका ईगो सामने लाना, मुझे सम्मान नहीं दिया, मुझे मान नहीं दिया, मुझे महत्व नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया, और अहंकार से बात करना, सामने वाला क्या ऐसी है, मेरा ऐसा है, मतलब इस तरह की बात करना उसके साथ में, और बहुत ही ईगो आइडेंटिटी लाना कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं खुद को बहुत ज़्यादा समझना। तो क्या होता है कि सामने वाले को नीचा दिखाने का कार्यक्रम किया और अपने को बहुत ज़्यादा ऊपर बताया, अहंकार बताया, तो जल्दी रिश्ते टूट जाते, बहुत ज़्यादा रिश्ते टिकते नहीं है। तो ये आठ मेन कारण हो सकते हैं कि जिसके वजह से रिश्ते टूटते हैं या आप रिश्तों को तोड़ सकते हैं या आपसे वो टूट जाएंगे। तो ये आप ख्याल में रखते हैं, और ये यदि नहीं करते हैं तो आपके रिश्ते अच्छे बन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा, इसका उल्टा करो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। आपको कुछ भी सवाल होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम्स है, मानसिक प्रॉब्लम्स है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, सभी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आप हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले सकते हैं, हमारे असिस्टेंट्स है, हमारे कोचेस है, उनसे संपर्क करके मेरी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरे बात कर सकते हैं मेरे से, और आप ऑनलाइन हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
उसमें से भी आप फ्री चैटिंग करेंगे और ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप हमारे पार्टनर बन जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।